हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू apsirclasses। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं जिंक कार्बोनेट के फॉर्मूले से। तो जिंक का जो प्रतीक होता है वो Zn होता है, और Zn पे जो चार्ज होता है +2 का चार्ज होता है। और मैं बात करूं कार्बोनेट पे, तो कार्बोनेट होता है CO3, इस पे चार्ज -2 का होता है। तो शुरुआत करते हैं जिंक कार्बोनेट के फॉर्मूले की। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा Zn +2 चार्ज लेकर के, और कार्बोनेट की बात करें CO3 -2 चार्ज, और इनके चार्ज का होगा ट्रांसपेरेशन। ये चार्ज ये ले लेगा, ये चार्ज ये ले लेगा। दोनों के बीच की जो चार्ज को काटेंगे हम, तो वहां 1-1 आ जाएगा। मतलब ये चार्ज यहाँ 1 ही रखेगा, ये चार्ज यहाँ 1 ही रखेगा। मैं बात करूँ फॉर्मूले की, तो Zn1 CO3 का होल 1, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं होता। 1-1 तो हर कंपाउंड के नीचे होते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। तो आज हम लोगों ने समझा जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला ZnCO3 होता है फ्रेंड्स।